हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टिकमैन सुरेश। दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स के ओनर्स हैं, वो हमेशा बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि वो अपना गाड़ी के बारे में डिटेल जानकारी नहीं जान पाते, जब वो अपने गाड़ी को ड्राइवर को हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वो गाड़ी के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं जान पाते। और यदि उनके पास मल्टीपल गाड़ियां हैं तो वो टेंशन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सर्विसिंग हिस्ट्री, गाड़ी में कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, गाड़ी कहां पर है, कितना किलोमीटर अभी चला है, क्या अभी गाड़ी का हाल है, ड्राइवर गाड़ी को कैसे चला रहे हैं, इन सब बातों पर वो एक्यूरेट जानकारी नहीं जान पाते। मगर दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, इसके मदद से आपके जितने भी परेशानियाँ हैं इस रिलेटेड, वो सभी दोस्तों खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसी तरह का गाड़ियों के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ऐप का नाम है टाटा मोटर्स की टाटा फ्लीट एज। टाटा फ्लीट एज ऐप के बारे में आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, ये है टाटा मोटर्स की फ्लीट एज ऐप का स्क्रीन। जब दोस्तों आप लॉगिन करेंगे तो आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ब्राउजर में स्कैन करके भी इसको चला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी भी ब्राउजर में सिर्फ आप यदि आप टाइप करेंगे fleetedge.home.tatamotors तो आपको इसी तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और सबसे पहले दोस्तों, आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना नेम देना पड़ेगा, उसके नीचे मोबाइल नंबर, फिर पिन कोड, फिर स्टेट, फिर ईमेल आईडी, फिर आपको यहाँ पर एक्टिवेट फ्लीटेज नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आप टाटा मोटर्स की फ्लीटेज आपको रजिस्टर कर पाएंगे। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स की फ्लीट एज ऐप की जो सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट है, वो है जानकारी होगी तभी तो तरक्की होगी। क्योंकि जब तक आपके पास सही से जानकारी नहीं मिलेगा आपके गाड़ी के बारे में, तब तक दोस्तों आप गाड़ी को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा लॉगिन। जब दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको इसी तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप लेफ्ट साइड में पा सकते हैं टाटा मोटर्स फ्लीट एज ऐप का अमर फ्लोर प्लान, ट्रैक एनालिसिस, इनसाइट, फ्लीट मास्टर, जियो फेंस, सब्सक्रिप्शन प्लान, ट्रिप, बुक सर्विस, व्हीकल हेल्प एंड सपोर्ट। यदि आपको टाटा मोटर्स फ्लीट एज ऐप का कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। फ्लीट एज ऐप के बारे में हर डिटेल जानकारी मिल जाएगा। जब दोस्तों आप इसको रजिस्टर करेंगे तो अब आपका हर डिटेल यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास अभी 86 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 21 अभी मूविंग पर है, 47 अभी स्टॉप्ड है, 14 ऑफलाइन है, 4 अनसब्सक्राइब्ड है। और ये दोस्तों हर वक्त चेंज होता रहता है। आप या फिर सैटेलाइट के माध्यम से भी जान सकते हैं कि आपकी कौन सी गाड़ी कहाँ पर है। और यदि आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव डिटेल दोस्तों मिल जाएगा कि आपकी कौन सी गाड़ी कहाँ पर है और गाड़ी में अभी क्या क्या हो रहा है। सर, देखते हैं इसका एनालिसिस पॉइंट। तो यदि हम एनालिसिस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि फ्लीट रिपोर्ट में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा 24 आवर फ्लीट रिपोर्ट, फिर मिलेगा व्हीकल डे वाइज ट्रैकर, मंथली रिपोर्ट, फ्यूल कंजप्शन, ड्यूअल सर्विस एंड व्हीकल यूजेस, ड्राइविंग बिहेवियर, आइडलिंग ड्यूरेशन, सर्विस हिस्ट्री, जियोफेंस रिपोर्ट, ट्रिप वाइज। इस हिसाब से आपको फ्लीट वाइज हर रिपोर्ट मिल जाएगा। यदि आप 24 आवर फ्लीट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको गाड़ी का 24 आवर्स का ड्राइविंग के बारे में जानकारी मिल जाएगा। 24 आवर फ्लीट रिपोर्ट को क्लिक करने के बाद हमें इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट का ऑप्शन मिल रहा है, और चाहे तो डेट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके साइड में VIN नंबर, फिर गाड़ी का मॉडल नेम, जैसे कि यह है 3518 TC मॉडल। स्टार्ट लोकेशन है इसका श्रीनगर लद्दाख से लेके
कस्करिक तक 24 आवर्स में 50 हार्स एक्सेलरेशन हुआ है, हार्स ब्रेकिंग नहीं हुआ है, रैश टर्निंग भी नहीं हुआ है। इसमें गाड़ी का आइडलिंग ड्यूरेशन था 13 मिनट, कोस्टिंग ड्यूरेशन था 1 आवर 29 मिनट, स्टॉपेज ड्यूरेशन था 5 आवर 24 मिनट। और 24 आवर्स में इस गाड़ी में 96.5 लीटर का फ्यूल कंजप्शन हुआ है और गाड़ी किलोमीटर चला है 387.9 किलोमीटर और फ्यूल एफिशिएंसी इसका निकल के आया है 4 किलोमीटर पर लीटर। आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इस हिसाब से आप अपनी हर गाड़ी का डिटेल जानकारी पा सकते हैं कि गाड़ी का स्टॉपेज कहाँ पर हुआ था, गाड़ी में कितना हार्स एक्सेलरेशन हुआ है, गाड़ी में अभी कितना माइलेज आ रहा है, कितना टाइम तक गाड़ी स्टॉपेज में था, फ्यूल एफिशिएंसी आपको कितना मिल रहा है और गाड़ी एंड लोकेशन पर पहुंचा है कि नहीं। ये सभी जानकारी आप 24 आवर फ्लीट रिपोर्ट के माध्यम से पा सकते हैं। अपने व्हीकल डे वाइज ट्रैकर में आप गाड़ी का डेली एनालिसिस कर पाएंगे, जैसे कि ओडोमीटर कितना था, स्पीड कितना था, इग्निशन कैसा था, लोकेशन कहाँ पर था, वो सभी जानकारी आप व्हीकल डे वाइज ट्रैकर के माध्यम से पा सकते हैं। मंथली रिपोर्ट में आपको गाड़ी का 1 मंथ का हर रिपोर्ट मिल जाएगा। और उसके साइड में दोस्तों फ्यूल कंजप्शन, ये दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में जानना। ये आपको मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगा, जैसे कि गाड़ी का फ्यूल लेवल कैसा है, गाड़ी में फ्यूल कितना कंजप्शन हो रहा है, ट्रिप पर कितना फ्यूल आपको कंज्यूम हो रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी किस रूट पर आपको अच्छा मिल रहा है, सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। यह आपका फ्यूल को भी सेव करेगा, उसके साथ आपका प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर देगा। फ्यूल कंजप्शन को यदि आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे पहले आपको राइट साइड में यहाँ पर डेट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, हमने डेट रखा है 5 सितंबर 2023 से, आज का डेट है 12 सितंबर 2023। इसी में हम जान पाएंगे कि इसी ड्यूरेशन में हम जान पाएंगे कि हमारे गाड़ी में कितना फ्यूल कंजप्शन हुआ है। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी गाड़ी का, VIN नंबर, फिर मॉडल नेम, फ्यूल कंज्यूम्ड, ओडोमीटर स्टार्ट, ओडोमीटर एंड, डिस्टेंस, फ्यूल एफिशिएंसी। जैसे कि मैं यदि पहला गाड़ी का हमारा देखता हूँ तो उसका मॉडल नेम है टाटा मोटर्स की 3518TC, जिसमें फ्यूल कंज्यूम्ड हुआ है 370.5 लीटर, ओडोमीटर स्टार्ट हुआ था 15,675 किलोमीटर से, ओडोमीटर एंड हुआ था 16,484 किलोमीटर, जिसमें गाड़ी ने कुल डिस्टेंस कवर किया है 808.7 किलोमीटर। गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी निकल के आया है 2.1 किलोमीटर पर लीटर। आप इसी तरीके से अपना जितने भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी को यहां पर ट्रैक कर सकते हैं और आप एक्यूरेट जानकारी पा सकते हैं कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला है और उसमें कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है और गाड़ी का अभी एक्चुअल माइलेज आपको कितना मिल रहा है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियर है। सर्विस एंड व्हीकल यूजेस में आपको गाड़ी का सर्विस ड्यू स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ड्राइविंग बिहेवियर भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसमें आप जान पाएंगे कि आपके ड्राइवर्स गाड़ी को कैसे चला रहे हैं, सही से चला रहे हैं या फिर गलत तरीके से चला रहे हैं। सभी जानकारी आप घर बैठ के सभी जानकारी पा सकते हैं। तो ड्राइविंग बिहेवियर को यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर आपको राइट साइड में यहाँ पर डेट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, फिर लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर, VIN नंबर, मॉडल नेम, हार्स एक्सेलरेशन, हार्स ब्रेकिंग, रैश टर्निंग, आइडलिंग ड्यूरेशन, कोस्टिंग ड्यूरेशन, स्टॉपेज ड्यूरेशन, ये सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाता है। मान लीजिए हमारा जो पहला गाड़ी है ऊपर, उसका मॉडल नेम है टाटा मोटर्स की LPT 3518, जिसके ड्राइवर 382 हार्स एक्सेलरेशन कर चुके हैं, हार्स ब्रेकिंग उन्होंने अभी तक नहीं किया, मगर रैश टर्निंग उन्होंने एक बार लिया है, गाड़ी का आइडलिंग ड्यूरेशन था 1 आवर 32 मिनट का, कोस्टिंग ड्यूरेशन था 5 आवर 59 मिनट का और गाड़ी का स्टॉपेज ड्यूरेशन था 81 आवर 10 मिनट का। इस हिसाब से आप अपनी हर गाड़ी का ड्राइविंग बिहेवियर को घर बैठ के जान सकते हैं और जान पाएंगे कि आपके कौन से ड्राइवर गाड़ी को सही तरीके से चला रहे हैं या फिर गलत तरीके से चला रहे हैं। दोस्तों आता है आइडलिंग ड्यूरेशन, जिसमें गाड़ी का ड्यूरेशन को बारे में आप जान पाएंगे। उस
सर्विसिंग हिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि यदि आपके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, मल्टीपल गाड़ियाँ हैं, तो हर गाड़ी का सर्विसिंग कब हुआ था उसको याद रखना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में आपको आपकी हर गाड़ी का डिटेल सर्विस रिपोर्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको ऊपर यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है या फिर VI नंबर देना है। यदि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं और यहाँ पर आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और यदि आप उसको थोड़ा नीचे करेंगे तो दोस्तों आपकी जितने भी गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, VI नंबर, डीलर नेम, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, सर्विस टाइप, जॉब कार्ड नंबर, जॉब कार्ड ओपनिंग डेट, जॉब कार्ड क्लोजिंग डेट, इन्वॉइस डेट, बिलर टू द कंज्यूमर कहाँ पर बिल हुआ था, उसका एड्रेस, ऑडोमीटर उस टाइम पर कितना था उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा, और इन्वॉइस अमाउंट मिल जाएगा कि कितना गाड़ी पर खर्चा हुआ है। देखते हैं हमारा ऊपर जो पहला गाड़ी है उसका सर्विसिंग हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर डीलर नेम है चंडी मोटर्स, और उसका यहाँ पर आपको कोड भी मिल जाएगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या उसमें सर्विस हुआ था जैसे कि ऑन साइड रिपेयर हुआ था उसमें, जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जॉब कार्ड ओपनिंग हुआ था मई 2023 को, जॉब कार्ड क्लोजिंग भी हुआ था सेम डेट पर, इनवॉइस भी उसी दिन आया था, बिल हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, ऑडोमीटर था 7422 किलोमीटर, और इनवॉइस अमाउंट में हमें कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था। दूसरा गाड़ी का सर्विसिंग हिस्ट्री देखें तो सर्विसिंग हुआ था चंडी मोटर्स में, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है, सर्विस टाइप था फास्ट फ्री सर्विस था इसमें, जॉब कार्ड ओपनिंग डेट, जॉब कार्ड क्लोजिंग डेट सेम डेट पर था 19 मई का, और इसमें हमें खर्चा हुआ था सिर्फ 59 रुपीज़। तरीके से दोस्तों आप अपनी गाड़ी का हर सर्विसिंग हिस्ट्री के बारे में डिटेल जानकारी पा सकते हैं। जियो फेंस रिपोर्ट में दोस्तों आप अपनी गाड़ी का हर डिटेल लाइव लोकेशन पा सकते हैं कि गाड़ी अभी कहाँ पर है, चल रहा है कि नहीं, गाड़ी का क्या स्टेटस है, गाड़ी कहाँ पर है, सभी दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये गाड़ी अभी स्टॉप्ड है, खड़ा है, दूसरा गाड़ी अभी ऑफलाइन है क्योंकि वो भी खड़ा है, और कौन सी गाड़ी मूव हो रहा है, और गाड़ी जियो फेंस से कितना किलोमीटर चला है, आपको यहाँ पर हर डिटेल जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों आप टाटा मोटर्स की फ्लीट एज ऐप के माध्यम से अपनी गाड़ी का ट्रिप वाइज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। प्रीवियस ट्रिप को भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सी गाड़ी कहाँ तक चला था, कब चला था और उसका क्या स्टेटस था, सभी जानकारी आप इसमें पा सकते हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पर ओरिजिन और डिस्टिनेशन कहाँ पर शुरू हुआ था, कहाँ पर ख़त्म हुआ था, यदि आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे और उसका टाइम को यदि आप दे देंगे तो आपको हर जानकारी मिल जाएगा। यदि मैं आपको प्रैक्टिकली में समझाऊँ, देखिए यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा गाड़ी का नंबर, और इसका ट्रिप भी ऑनगोइंग पर है, और वो गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल जानकारी मिल जाता है। साइड में है ड्राइवर का नेम, हमारे कौन से ड्राइवर इसको चला रहे हैं, गाड़ी कितना किलोमीटर अभी चला है, हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाता है। राइट साइड में आपको व्यू रिपोर्ट का अभी ऑप्शन मिलता है, यदि आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि गाड़ी अभी खड़ा था इस वजह से अभी आपको यहाँ पर कुछ भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता, मगर यदि आप राइट साइड में देखेंगे तो गाड़ी का मॉडल नंबर है 3518TC जो कि BA6 मॉडल है, उसका VI नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑडोमीटर गाड़ी का कितना है, और फ्यूल लेवल अभी कितना है, DF लेवल कितना है, उसके बारे में दोस्तों हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाता है। हार्स एक्सेलरेशन ड्राइवर अभी कर रहे हैं कि नहीं, ब्रेकिंग कैसा है, स्टॉपिंग टाइम कितना था, एडलिन टाइम कितना था, नाइट ड्राइविंग उन्होंने कितना किया है, गियर शिफ्ट कैसा किया है, सभी के बारे में दोस्तों हमें यहाँ पर एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगा। और उसके साथ हमें मैप में भी यहाँ पर दिखा देगा कि हमें हमारा जो ट्रिप है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होने वाला है। दोस्तों यदि हम ट्रैक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें हमारा हर गाड़ी का मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि हमारा अभी 18 गाड़ियाँ मूविंग पर है, 52 गाड़ियाँ स्टॉपेड पर हैं, 12 गाड़ी ऑफलाइन पर है, और 4 गाड़ी अनसब्सक्राइब्ड है, और कौन सी गाड़ी कहाँ पर है उसके बारे में दोस्तों हमें यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है कि कौन सी गाड़ी अभी कहाँ पर मूव हो रहा है, कौन सी गाड़ी अभी किस रूट पर चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे स्क्रीन पर, और आप चाहे तो इसे जूम इन या फिर जूम आउट भी यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप इनसाइड पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में जो है, तो उसमें आपकी हर गाड़ी का
लाइव लोकेशन मिल जाएगा और उसका एक्यूरेट जानकारी आप यहाँ पर पा सकते हैं। लाइट हेल्थ के बारे में आप जान पाएंगे कि गाड़ी का हेल्थ कैसा है, गाड़ी का फ्यूल लेवल कैसा है, फ्यूल लेवल सही है कि नहीं, ऑनगोइंग ट्रिप कितने गाड़ियाँ हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, उसके बारे में अभी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाता है। यदि आप फ्लीट वाइज पर उसको ऐसे ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका जानकारी और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, जिसमें इस रिपोर्ट को यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, VIN नंबर, मॉडल नंबर, एफिशिएंसी, फ्लीट इकोनॉमी, डिस्टेंस, कंजप्शन सभी के बारे में जानकारी मिल जाता है कि गाड़ी का अभी फ्यूल एफिशिएंसी कितना है, गाड़ी कितना किलोमीटर कवर किया है, कितना फ्यूल इसमें कंज्यूम हुआ है, सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। मगर यदि आप व्हीकल वाइज को ऐसे आप क्लिक करते हैं तो आपको हर गाड़ी का डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट जानकारी मिल जाएगा जो कि सेपरेट रहेगा। आपके पास ज़्यादा गाड़ियां हैं तो आप हर गाड़ी के बारे में सेपरेट इन्फॉर्मेशन यहां पर पा सकते हैं। जैसे कि हमारा यहां पर जो गाड़ियां हैं उसके बारे में आपको दिखा रहा हूं। पहला गाड़ी के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं तो आप देख पाएंगे कि अभी ये जो गाड़ी है वो कल से लेके आज तक 25.3 किलोमीटर चला है। एवरेज स्पीड था 13.70 किलोमीटर पर आवर। फ्यूल कंज्यूम हुआ है 15 लीटर। यदि आप राइट साइड में देखेंगे तो गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 365 लीटर, मगर अभी गाड़ी में फ्यूल है 225 लीटर। DF लेवल है 61%। इस हिसाब से आप गाड़ी का हर डिटेल जानकारी पा सकते हैं। गाड़ी में हार्श एक्सीलरेशन हो रहा है कि नहीं, ड्राइवर गाड़ी को सही तरीके से चला रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा स्टॉप या फिर ज़्यादा टाइम तो गाड़ी को स्टार्ट में रख के कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको हर डिटेल जानकारी दोस्तों मिल जाता है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टाटा मोटर्स की फ्लीट एज आपका सब्सक्रिप्शन अभी लीजिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है और ये आपका बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये था दोस्तों टाटा मोटर्स की फ्लीट एज आपके बारे में एक डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।